जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जे एस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मजदूरी का हिसाब करने वाले कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। इस तरह के सवाल कभी कभी हमारी डेली लाइफ में भी आ जाते हैं और ऐसी प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरा दावा है। तो देखिए, हमारा सवाल क्या है। एक मजदूर 4,000 रुपये महीना कमाता है, यदि वह बिना बताए 4 दिन की छुट्टी कर दे तब उसे कितना वेतन मिलेगा, ये हमें बताना है। ऐसी सिचुएशन कभी कभी हमारी डेली लाइफ में बन जाती है, जैसे कि हम किसी के इधर काम करने गए, एक महीने काम किया, 4-5 दिन की छुट्टी हो गई, तो वो हमें कितना वेतन देगा, हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले सवाल को समझते हैं कि सवाल हमसे बोल क्या रहा है। देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि एक मजदूर है, वो महीने में कितने कमाता है, 4,000 रुपये महीने कमाता है, ठीक है। यदि वह 4 दिन की छुट्टी कर देता है, 4 दिन की छुट्टी कर दी, तो उसे हमें यह बताना है कि एक महीने में अब उसको कितना वेतन मिलेगा, क्योंकि 4 दिन की तो उसने छुट्टी कर दी। तो इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले उसका जो वेतन है वो लिखना है, कितने दिन का वेतन है वो लिखना है, फिर इसके बाद में आपका सवाल देखिए बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम यहां पर क्या लिखेंगे, वेतन, ठीक है, वेतन, ठीक है, यह हमने वेतन लिख दिया, और कितने दिन का वेतन है वो भी हमें लिखना पड़ेगा। तो यहां पर वेतन और यहां पर दिनों की संख्या, ठीक है, दिनों की संख्या, ठीक है। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, ऐसा तरीका आपको पूरे YouTube पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा, तो बहुत ही शानदार तरीके से समझिएगा, वीडियो को छोड़कर मत भागिएगा। तो वेतन कितना है, 4,000 रुपये, मतलब की सैलरी, ठीक है, ये हो गया 4,000 रुपये। दिनों की संख्या कितनी है, एक माह, ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं एक माह, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। एक माह में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, एवरेजली अगर एवरेज अगर हम लगाएं तो 30 दिन होते हैं, कोई कोई सा 31 का होता है, कोई 30 का होता है, कोई 28 का होता है, तो एवरेज जो है वो 30 दिन का होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं भाई 30 दिन, ठीक है, ये हो गया 30 दिन। या फिर आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए जिस महीने में आपने 4 दिन की छुट्टी की है वो महीना अगर 31 का है तो आप 31 दिन लीजिए, अगर 30 का है तो 30 दिन लीजिए, 28 का है तो 28 दिन लीजिए, आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एवरेज औसतन मान लिया है कि भाई 30 दिन है इस महीने में, ठीक है, 30 दिन में कितने कमा रहा है, 4,000, ठीक है, दिनों की संख्या तो सेम ही है, एक माह और 30 दिन बराबर ही होता है, ठीक है, क्लियर है। अब हमें ये देखना है कि भैया यहाँ पर वो एक दिन में कितने कमा रहा है, ये हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 30 से लगा देंगे भाग, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब आप कहेंगे कि सर 30 से भाग क्यों लगाया, देखिए यहाँ पर 30 से 30 कट जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, एक दिन बन जाएगा, जब हमने दिनों को 30 गुना कम कर दिया, ठीक है, दिनों को 30 गुना कम कर दिया, तो यहाँ पर जो वेतन है वो भी 30 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब हमें एक दिन की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने 30 से भाग लगा दिया, तो देखिए 30 से 30 कट गया, और यहाँ पर देखिए ये 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब 3 से इसमें हम भाग लगा देते हैं, तो देखिए 3 एकम 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 3 एकम 3 एक बचेगा, 3 तिरका 9, फिर से एक बचेगा, 3 तिरका 9, ठीक है, और यहाँ पर फिर एक बचेगा तो हम दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 3 तिरका 9, मतलब कि लगभग कितना आ जाएगा, 133.33, ये आ जाएगा हमारा एक दिन का वेतन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे भाई 133.33, ये कितने दिन का वेतन है, ये है एक दिन का वेतन, ठीक है। अब देखिए 30 से 30 कट गया था, तो यहां पर क्या बचा, एक दिन, तो एक दिन में कितना कमा रहा है, 133.33 पैसे, इतने रुपए वो कमाता है, कितने दिन में, एक दिन में, ठीक है। अब देखिए यहां पर उसने 30 में से 4 तो छुट्टी मार दी, ये कितना था, 30 दिन का वेतन था, ठीक है। अब उसने क्या किया कि भैया उसने 4 दिन छुट्टी मार दी, मतलब 30 दिन थे टोटल, ठीक है, उसमें से उसने 4 दिन की छुट्टी मार दी, तो अब उसने कितने दिन काम किया था वो निकल के आएगा। देखिए 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेगा, और यहां पर जो 3 है एक उधार ले लिया था, तो यहां पर
कितने बचेंगे, दो बचेंगे, मतलब उसने कितना 26 दिन काम किया था। तो अब हम 26 दिन का वेतन निकालेंगे, तो 26 दिन का कैसे निकलेगा, एक दिन का ये दिया है तो हम क्या करेंगे 26 का गुणा कर देंगे, ठीक है, दोनों तरफ 26 का गुणा कर दीजिए, यहां पर भी 26 का गुणा कर देते हैं तो यहां पर भी 26 का ही गुणा हो जाएगा, जैसे हमने अभी 30 का दोनों तरफ भाग दिया था, अब दोनों तरफ 26 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए यहां पर, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक दिन के वेतन में 26 का गुणा कर देंगे तो वो 26 दिन का निकल आएगा, या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 26 एकम 26 दिन, ठीक है, ये हो गया 26 दिन, ठीक है। अब 26 का गुणा इसमें कर लीजिए, तो कर देते हैं, देखिए यहां पर लिख लेते हैं क्या है 133.33, इसमें हमें गुणा करना है 26 का, चलिए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 का 3 में करेंगे, 6 × 3 = 18 की आ जाएगी 8, हाँ से लेख, फिर से 6 × 3 = 18, 1 × 19 की क्या आ जाएगी यहाँ पर 9, हासिल फिर से 1 आ जाएगा, फिर से 6 × 3 = 18 और 1 × 19 की फिर से क्या आ जाएगा 9, हासिल फिर से 1 आ जाएगा, फिर से 6 × 3 = 18 और 1 × 19 की फिर से क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी, और हाँ से लेख 6 × 1 = 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए 6 का तो हम कर चुके, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे 2 का करेंगे, 3 × 2 = 6, फिर से 3 × 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 6, फिर 3 × 2 = 6, फिर 3 × 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, और फिर यहाँ पर 2 × 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इनको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, 9 और 6 कितने होते हैं 15, 15 × 5 हासिल फिर से 1 आ जाएगा, 9 और 6 = 15 और 1 कितना होता है 16, ठीक है। तो यहाँ पर 16 की आ जाएगी 6, हासिल फिर से 1 आ जाएगा, 9 और 6 = 15 और 1 फिर से क्या आ जाएगा 16, 16 की 6 हासिल फिर से 1, यहाँ पर देखिए 6 और 7 कितने होंगे 6 और 6 = 12, 1 = 13 और 1 हासिल वाला 14, ठीक है। तो 14 की फिर से 4 हासिल 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है गुणा करने के बाद में, लेकिन वेतन इतना सारा थोड़ी ना होगा, अभी तो यहाँ पर देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, मतलब यहाँ पर तो ये कितना आ गया हमारा 3466.58, मतलब उसे कितना वेतन मिलेगा 3466.58 पैसे, इतना रुपया उसको वेतन में मिलेगा, ठीक है, 3466, ठीक है। टोटल अगर वो 30 दिन करता तो कितना मिलता 4000, 30 दिन नहीं किया तो कितना मिल रहा है 3666, ठीक है। तो देखिए कितना आसान है, चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए दोस्तों आपके सामने यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है, एक मजदूर 6000 रुपये महीना कमाता है, यदि वह महीने में सिर्फ 22 दिन काम करे तो कितना रुपया वो कमाएगा, ठीक है, महीने के कितने कमाता है 6000, यदि वह माह में सिर्फ 22 दिन ही काम करता है तो उसे कितना वेतन मिलेगा ये हमें बताना है। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और बार बार ये ऐसा होता है कि हमारे डेली लाइफ में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, तो इसको हल करना हमें आना चाहिए। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले सवाल को ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्या बोल रहा है, एक मजदूर जो है वो 6000 रुपये महीना कमाता है और वो 22 दिन काम करता है, तो हमें ये बताना है कि भाई वो कितने रुपये कमाएगा, ठीक है। चलिए तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे वेतन, मतलब उसने कितना रुपया मिलता है, ठीक है, और कितने दिन में मिलता है वो भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एक माह, ठीक है, एक माह, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे समय लिखेंगे, समय, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर वेतन उसको मिल कितना रहा है 6000 मिल रहा है, ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे 6000 रुपए, ठीक है, ये 6000 रुपए मिल रहा है, समय कितना है एक माह में मिल रहा है, ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे एक माह, मतलब कि 30 दिन, ठीक है। आप इस तरीके से मान सकते हैं जिस माह में प्रॉब्लम हुई है, यानी जिस माह में उसने सिर्फ 22 दिन काम किया है उस दिन, उस माह के आप दिन लिख सकते हैं, 31 है तो 31 लिखिए, 30 है तो 30 लिखिए, ठीक है, तो हमने एवरेज इसको लिख दिया है 30 दिन, ठीक है। चलिए अब देखिए हमें क्या करना है, यहां पर एक दिन का उसका वेतन निकालना पड़ेगा, एक दिन का वेतन निकाल देंगे तो फिर हम कितने भी दिन का वेतन उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर 6000 रुपए कितने दिन में कमा रहा है 30 दिन में, ठीक है, अब हम क्या करेंगे 30 से भाग लगा देंगे दोनों में, यहां पर भी 30 से भाग लगाते हैं और यहां पर भी 30 से भाग लगाते हैं, ठीक है, 30 का भाग क्यों लगाया है अभी आप समझ जाएंगे, देखिए 30 से 30 कट जाएगा तो एक दिन निकल कर आ जाएगा हमारा, ठीक है, और एक दिन की वैल्यू तो हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने वेतन को 30 गुना कम कर दिया तो जो दिन है वो भी 30 गुना कम हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगी और यहाँ पर भी ये 0 से ये 0 कट जाएगी, ठीक है, और 3 से 3 कट जाएगा, मतलब क्या आ गया यहाँ पर एक दिन आ गया, ठीक है। चलिए
दिन तो आ गया एक दिन, अब एक दिन में रुपया कितना कमा रहा है वो भी बताना पड़ेगा। तो देखिए ये जीरो जीरो कट गया, तीन से काटते हैं, तीन एकम तीन, यहाँ पर तीन दुनी कितना हो जाएगा छः, ठीक है, जीरो जीरो दो जीरो आ जाएंगी, तो यहाँ पर आ गया दो जीरो, ठीक है। तो देखिए कितना आ गया यहाँ पर 200 रुपये, ठीक है भैया, एक दिन में वो कितना कमा रहा है, एक दिन में 200 रुपये कमा रहा है, ठीक है। अब उसने काम कितने दिन किया है, सिर्फ 22 दिन ही किया है, 30 दिन करना था लेकिन उसने कितना किया 22 दिन, तो उसका वेतन भी कम होगा, तो वेतन कितना कम होगा वो अभी हम निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए 22 दिन काम किया है, एक दिन का कितना है 200, तो हम क्या करेंगे इसमें 22 का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर दिन में भी 22 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिन कितने हो जाएंगे, 22 दिन हो जाएंगे, और यहाँ पर उसका वेतन जो है वो भी 22 गुना बढ़ जाएगा। चलिए करते हैं, तो देखिए यहाँ पर जीरो की जीरो आ जाएगी, फिर 22 का जीरो में करेंगे तो फिर से जीरो आ जाएगी, और 22 दिन कितना हो जाएगा 44, ठीक है। तो ये कितना आ गया 4400, ये आ गया उसका वेतन। दिन देखिए यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 22 दिन, ठीक है। 22 दिन में कितना कमा रहा है वो 4400 रुपये कमा रहा है 22 दिन में, और यही तो हमें बताना था। देखिए कितने आसान तरीके से निकल गया, हमें कहीं पर भी कोई उलझन यहाँ पर नहीं पड़ी, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी सवाल आ जाएं उनको आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही अच्छे से आपका जो सवाल है सॉल्व हो जाएगा, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।